सपोर्टर्स स्टैंड फार्मर एसीएल भाइयों, आज बारी है चेंसो मैन सीरीज के एपिसोड 7 की। तो चलिए इसकी भी एक्सप्लेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट फिगर आउट। भाई एपिसोड 7 उसी पॉइंट से स्टार्ट होता है जहाँ एपिसोड 6 एंड हुआ था। एंड एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डेंजी 800 डेवल के मुंह में कूद जाता है। और जैसे डेंजी इस डेवल के मुंह में कूदता है, एकदम इसी डेंजी चेंसो डेवल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड देन डेंजी इस डेवल पर अटैक करने लग जाता है काफी बुरी तरीके से। बट इसी अटैक के बीच वो डेवल डेंजी से बोलता है कि तुम्हारे अटैक पॉइंटलेस है, तुम मेरा यहाँ हार्ट ढूंढ नहीं सकते तो तुम मुझे मार नहीं सकते। बट डेंजी के अटैक की वजह से इस डेवल को पेन भी हो रहा होता है। एंड देन ये डेवल भी डेंजी पे अटैक करता है, जिस वजह से डेंजी का ब्लड जो होता है वो गिरने लग जाता है। और तभी हमें हिमिनो दिखाई जाती है और हिमिनो देख के हैरान होती है कि डेंजी भी एक डेवल है। और तभी पावर बोलती है कि अगर डेंजी का लगातार ब्लड गिरता रहा और डेंजी ने अपना ब्लड को ज्यादा ही खो दिया तो डेंजी की जो चेंस है वो वापस उसकी बॉडी में चली जाएंगी। एंड पावर के इतने बोलते ही तभी हम देखते हैं डेंजी को एकदम सी इस डेवल ने काफी बुरी तरीके से पकड़ लिया होता है, जिस वजह से डेंजी का काफी ब्लड गिर रहा होता है। और हम देखते हैं डेंजी की जो हाथ की चेंस होती है वो वापस डेंजी की बॉडी में चली जाती है। एंड डेंजी ये देख के कहता है मुझे और ब्लड की जरूरत है। और एकदम सी डेंजी इस डेवल का जो एक मास होता है उसको खा लेता है। और जैसे ही खाता है डेंजी की एकदम से हाथ की जो चेंसेस होती है वापस निकल के आ जाती हैं। एंड देन डेंजी इस डेवल पे अटैक करता है। और जब इस डेवल का खून निकल रहा ब्लड निकल रहा होता है, डेंजी बोलता है कि तुम्हारा ब्लड बिल्कुल ही बकवास है, लेकिन तुम्हें दर्द में इस तरीके से तड़पते हुए देखना तो मैं तुम्हारा ब्लड ऐसे पीऊंगा जैसे कि ये कोई स्ट्रॉबेरी जैम हो। एंड देन डेंजी डेवल वाली हंसी हंसी रहा होता है तभी हमें हिमनो दिखाई जाती है। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एंड इस फ्लैशबैक में हिमनो एक ग्रेवयार्ड में होती है और साथ में हिमनो के साथ एक आदमी भी खड़ा हुआ होता है। और ये आदमी असल में हिमिनो का मास्टर होता है। एंड मास्टर कहते हैं डेवल्स जिन डेवल हंटर्स से डरते हैं उनमें से काफी के स्क्रू ढीले हुए होते हैं। और यहाँ अपने मास्टर का कहने का मतलब ये होता है कि जो डेवल हंटर्स काफी क्रेजी होते हैं और उन्हें किसी चीज का भी डर नहीं होता, उनसे काफी डरते हैं डेवल्स। एंड तभी हिमिनो एक ग्रेप पे फ्लावर रखती है और तभी मास्टर बोलते हैं कि सहारा काफी सीधा था और इसी वजह से ये मारा गया। एंड किनोची सबारा एंड साशा की ये लोग भी काफी सीधे थे, इस वजह से ये लोग भी मारे गए। एंड देन मास्टर कहते हैं जो सीधे लोग होते हैं वो डेवल्स के वार्ड से डरते हैं और उनका यही डर डेवल्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और यहाँ मास्टर का सिंपली कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप डेवल हंटर्स हो तो सीधा बन के काम नहीं चलेगा, आपको क्रेजी होना होगा डेवल्स को हराने के लिए या उन्हें मारने के लिए। एंड तभी मास्टर हिमिनो से पूछती है तुम हायाकावा बच्चे के साथ काफी टाइम से काम कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है हायाकावा भी सीधा व्यक्ति है? एंड इसकी रिप्लाई में हिमिनो बोलती है वो नहीं है, बिकॉज कोई सीधा व्यक्ति गन डेवल जैसे हरामी को मारने की कोशिश नहीं करेगा। एंड ये सुन के मास्टर बोलते हैं ओ अच्छा, और क्या तुमने पब्लिक सेफ्टी गन डेवल को मारने के लिए ज्वाइन नहीं करी, और क्या तुम भी तो क्रेजी नहीं? एंड ये सुन के हिमिनो बोलती है नहीं मैं क्रेजी नहीं हूँ। एंड देन मास्टर बोलते हैं तो बढ़िया है क्योंकि तुम्हें गन डेवल को मारने के मिशन से बाहर रखा गया है। एंड मास्टर ये भी कहते हैं ज्यादातर डेवल हंटर्स का सपना है गन डेवल को मारने के लिए, और वो लोग जो ऑनेस्ट है और सिंपल है तो डेवल्स एग्जैक्टली जानते हैं कि उन लोगों को कैसे डराया जाए। बट वो लोग जो क्रेजी है और ये पता लगाना काफी मुश्किल है कि उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, तो ऐसे लोगों से डेवल्स डरते हैं जिस चीज को डेवल्स समझ नहीं पाते। एंड जैसे ही मास्टर इतना बोलते हैं तभी मास्टर अल्कोहल पी रहे होते हैं। तभी हिमिनो मास्टर से बोलती है मास्टर इतनी अल्कोहल मत पियो, और मास्टर बोलते हैं रुको। एंड देन मास्टर हिमिनो से बोलते हैं कि हायाकावा भी बच्चा है तो उसे ट्रेन करो। एंड हिमिनो मास्टर से कहती है मुझे इसमें टाइम लगेगा। एंड मास्टर कहते हैं तुम इसमें टाइम नहीं ले सकती, वो बच्चा गन डेवल के पीस ढूंढ रहा है और उसे गन डेवल को ढूंढने में अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इतना बोलती मास्टर वहां से चले जाते हैं। एंड हिमिनो वहीं खड़ी भी होती है और फिर एकदम से हिमिनो अपना सर नीचे झुका के बोलती है नहीं नहीं आई मीन नो नो नो। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हिमिनो एंड हायाकावा रेस्टोरेंट में बैठ के लंच कर रहे होते हैं। एंड यहाँ हिमिनो हायाकावा को कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है कि हम पब्लिक सेफ्टी छोड़ के सिविलियन हंटर बन जाएं। जहाँ हिमिनो हायाकावा से कहती है कि मुझे किसी ने काफी जबरदस्त ऑफर दिया सिविलियन हंटर बनने का, और अगर हम ये ऑफर मानते हैं तो अब हमें गन डेवल को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम काम में हमें ऐसा लंच भी मिलेगा और काम के वक्त घर आते हुए कभी कभार हम मूवी देखने भी जा सकते हैं। बट हायाकावा हिमिनो का ये ऑफर पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देता है ये बोल के कि तुम जब कभी भी ड्रिंक के लिए जाना चाहती हो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मैं कभी सिविल हंटर नहीं बनूंगा। एंड ये सुन के देन हिमिनो चुप हो जाती है। एंड देन हिमिनो हायाकावा से एक सिगरेट मांगती है। एंड देन सिगरेट पीते हुए सोचती है अगर हायाकावा गन डेवल से लड़ेगा तो डेफिनेटली गन डेवल हायाकावा को मार देगा, इसलिए नहीं गन डेवल काफी पावरफुल है इसलिए भी गन डेवल एक ही झटके में 100 लोगों को मार सकता है। एंड देन हिमिनो हायाकावा की तरफ देख के अपने मन में बोलती है हायाकावा कूल है, सीरियस है, जेंटलमैन है,
और हायाकावा एक नॉर्मल इंसान है तो हायाकावा का हाल भी ओरो जैसा ही होगा। एंड देन हिमिनो बोलती है लेकिन, और जैसे हिमिनो इतना बोलती है तभी हमें डेंजी दिखाया जाता है एंड डेंजी इटर्निटी डेवल से लड़ रहा होता है। एंड देन ये डेवल डेंजी पे एक ऐसा अटैक करता है जिस अटैक से डेंजी जमीन पे गिर जाता है और इस डेवल को लगता है कि इसने डेंजी को मार दिया। बट तभी हिमिनो अपनी घोस्ट पावर से डेंजी की हेल्प करती है एंड देन डेंजी अपने पैरों पे खड़ा होता है एंड डेवल की तरफ देख के बोलता है कि मुझे एक काफी जबरदस्त आइडिया आया था कि मैं तुम्हें काटता रहूंगा और तुम्हारा खून बहता रहेगा और तुम्हारा खून पी के मैं रिकवर होता रहूंगा। एंड इतना कहते ही डेंजी इस डेवल पे फिर दोबारा अटैक कर देता है और दूसरी तरफ ऊपर से हिमिनो डेंजी को इस तरीके से लड़ते हुए देख रही होती है। एंड देन हिमिनो अपने मन में सोचती है कि अगर डेंजी सच में इतना ज्यादा क्रेजी है सो मे बी एक्चुअली डेंजी गन डेवल को मार सके। और जैसे ही हिमिनो भी इतना बोलती है तभी हमें नेक्स्ट सीन देखने को मिलता है और इस सीन में हिमिनो अब भी डेंजी एंड उस डेवल को लड़ते हुए देख रही होती है। एंड देन हिमिनो उठ के रूम में जाती है एंड रूम में हम देखते हैं कि हायाकावा एंड पावर बेड पे लेटे हुए होते हैं एंड कोबिनो और अराई साइड में बैठे हुए होते हैं जो काफी डरे हुए होते हैं। एंड देन हायाकावा हिमिनो से पूछते हैं कि ये लड़ाई कब से चल रही है एंड हिमिनो जवाब देती है कि जब से तुम्हें चाकू लगा है। इस लड़ाई को चलते चलते ऑलमोस्ट 3 दिन हो गए। इट्स मीन डेंजी इटर्निटी डेवल से लगातार 3 दिन से लड़ रहा होता है। एंड हिमिनो हायाकावा के पास आके लेट के बोलते हैं कि जब ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग ड्रिंक के लिए चलेंगे बट फिलहाल तो मुझे अभी सोना है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो डेवल डेंजी से बोल रहा होता है ये मेरी वीकनेस है, ये मेरा दिल है और मुझे मार दो। और यहाँ जो डेंजी का मास्टर माइंड प्लान था वो कामयाब हो गया। याद तो है ना एपिसोड 6 जब पावर डेंजी से पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई जीतने का प्लान है एंड डेंजी बोलता है मैं इस डेवल को काट काट के इतना डर दूंगा कि ये मरना खुद चाहेगा। और यहाँ पे वही हुआ, ये डेवल डेंजी से कहता है कि ये मेरा हार्ट है इसे काट दो और मुझे मार दो। एंड देन डेंजी उस डेवल का हार्ट काट देता है एंड देन वो डेवल मर जाता है। एंड देन हम देखते हैं कि डेंजी एंड सब लोग उस होटल से बाहर निकलते हैं एंड डेंजी कहता है चलो हम बाहर निकल ही गए। एंड देन डेंजी कहता है चलो हमें गन डेवल का पीस भी मिला। और जैसे डेंजी इतना बोलता है एकदम इसी डेंजी पीछे गिर जाता है बट हिमिनो डेंजी को पकड़ लेती है जहां डेंजी सो जाता है। और हिमिनो बोलती है कि ये तो सो गया क्योंकि ये लगातार 3 दिन से लड़ रहा था बिना सोए। एंड देन हिमिनो अराई एंड कोबिनो से बोलती है कि तुम दोनों जाओ सेक्टर में रिपोर्ट करो और मैं और पावर डेंजी एंड हायाकावा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हायाकावा एंड हिमिनो एक स्ट्रीट में होते हैं और यहाँ पे एक डेवल की लाश पड़ी हुई होती है और इस लाश में हायाकावा गन डेवल का पीस ढूंढ रहा होता है। और तभी हायाकावा ये बोलते हैं क्या तुमने न्यूबी वेलकम पार्टी कहा एंड हिमिनो बोलती है हाँ और इससे पहले डिविजन 4 कभी साथ में मिले नहीं है तो ये अच्छा होगा अगर हम एक टीम में बॉन्ड बनाए और साथ में हम अपनी लेटेस्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे। एंड प्रॉब्लम सुन के हायाकावा बोलते हैं प्रॉब्लम एंड हिमिनो बोलते हैं कि अरे प्रॉब्लम ये कि कोबिनो एंड अराई क्विट करना चाहते हैं इसलिए नहीं उन्हें डेवल का डर है इसलिए क्योंकि उन्हें अब इस चीज का रिग्रेट है कि उन्होंने डेंजी को मारने की कोशिश करी थी। एंड इतना सुनते ही हायाकावा हिमिनो से बोलते हैं कि आपने भी डेंजी को मारने की कोशिश नहीं करी थी सीनियर हिमिनो। एंड ये सुन के हिमिनो बोलती है या बट मैं यकीन नहीं कर सकती कि आजकल के बच्चे इस चीज को लेके क्विट करना चाहेंगे, हमें सेमलेसली जीना चाहिए। एंड देन हिमिनो ये भी कहती है कि अगर हम सब ड्रिंक के लिए जाएंगे तो हम तीनों डेंजी से माफी मांग लेंगे और साथ में कोबिनो और अराई को राजी भी करेंगे क्विट ना करने के लिए। बट हायाकावा बोलते हैं आप बस ड्रिंक करना चाहती हो और ये सुन के हिमिनो हाँ वाली स्माइल देती है। और तभी हायाकावा को उस डेवल की लाश में तभी उन्हें गन पीस मिल जाता है बट ये पीस काफी ज्यादा छोटा होता है। एंड पीस कलेक्ट करके हायाकावा बोलते हैं कि अगर हम ड्रिंक के लिए जा ही रहे हैं तो हमें इसी वीक जाना होगा। एंड देन हिमिनो बोलती है क्यों एंड हायाकावा कहते हैं कि मैं मकीमा को इनवाइट करना चाहता हूं और वो वर्क ट्रिप के लिए कयोटा जा रही है नेक्स्ट वीक। मैंने सुना है कि वो वहां रिक्वेस्ट असिस्टेंट के लिए जा रही है जब से डेंजी पर उस डेवल ने अटैक किया है तो हमें इसी वीक जाना चाहिए ड्रिंक के लिए। एंड हिमिनो थोड़ा रुककर सिगरेट का पफ मार के बोलती है सो ऑनेस्टली हायाकावा तुम्हें क्या लगता है डेंजी क्या है। डेंजी जिस डेवल से लड़ रहा था वो डेवल ऐसा लग रहा था कि वो जैसे कुछ ना कुछ जानता है डेंजी के बारे में और मैंने पहले कभी कुछ ऐसा देखा नहीं है। एंड हिमिनो ये भी बोलती है कि एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्यों मकीमा डेंजी की इतनी फिगर कर रही है, वही मकीमा जो नॉर्मली ट्रेवल करती रहती थी बट आजकल कुछ दिनों से वो टोक्यो में ही रुकी हुई है और ऐसा जरूर डेंजी की वजह से ही है। मैंने सही कहा ना, हो सकता है मकीमा डेंजी के सीक्रेट जानती हो। एंड इतना कह के हिमिनो एक सिगरेट का पफ मार के बोलती है हमें मकीमा को ड्रंक करना चाहिए और इस चीज के बारे में बात करनी चाहिए। और इतना कहते हैं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डिविजन 4 के सारे ही एजेंट पार्टी कर रहे होते हैं चाहे इन सबके टेबल पे काफी सारा खाना एंड ड्रिंक होती है और दूसरी तरफ अपनी पावर खाने पे कुछ ज्यादा कब्जा कर रही होती है। ये मेरा ये मैं खाऊंगी वो मैं खाऊंगी और दूसरी तरफ अपना डेंजी बोल रहा होता है वाओ कितना डिलीशियस खाना है। और तभी कोबिनो भी वहां आती है जहां कोबिनो थोड़ी लेट हो जाती है एंड तभी हिमिनो ये कहती है कि मकीमा को आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। एंड दूसरी तरफ हायाकावा भी ड्रिंक कर रहे होते हैं जहां हायाकावा ड्रिंक पीते पीते बोलते हैं मैं साल भर से ड्रंक नहीं हुआ हूं। हायाकावा के
बराबर में बैठा हुआ एजेंट भी बोलता है हाँ मैं भी। एंड दूसरी तरफ कोबिनो डिश खाते ही बोलती है मैंने ऐसे डिलीशियस डिश पहले कभी नहीं खाई है। कोबिनो के बराबर में बैठी हुई एजेंट बोलती है तुम अपनी सारी सैलरी अपने घर भेज देती हो ना राइट ना। एंड जब फ्राइड चिकन कोबिनो के सामने रखा हुआ होता है पावर उसे उठा के अपने पास रख लेती है। एंड दूसरी तरफ डेंजी से एक एजेंट बोलता है कि तुम तो यंग हो तुम्हें तो और ऑर्डर करना चाहिए बट अपने डेंजी से मेन्यू पढ़ा नहीं जा रहा होता है। एंड देन सडनली डेंजी को कुछ याद आता है एंड डेंजी हिमिनो के कान में बोलता है मेरी किसका क्या हुआ। एंड हिमिनो शर्मा के बोलती है अरे यार मुझे ये करने में शर्म आ रही है तुम जरा वेट करो जब तक मैं ड्रंक ना हो जाऊं बट मैं तुमसे एक और चीज कहना चाहती हूँ हम लोग तुमसे माफी मांगना चाहते हैं हमने तुम्हें मारने की कोशिश करी थी। एंड डेंजी कहता हाँ हाँ मैंने तुम्हें माफ करा बट मेरी किस। और जैसी डेंजी इतना कहता तभी एकदम से एक एजेंट डेंजी को पकड़ के बोलता है ये तुम्हारी वेलकम पार्टी है न्यूबी अब खड़े हो और अपना इंट्रोडक्शन दो और तुम्हारा नाम एज और वो डेवल जिसके साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। एंड तभी हायाकावा बोलते हैं तुम्हें उस डेवल के बारे में बताना नहीं चाहिए जिस डेवल के साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट करा है इसका नाम तुम्हें सिर्फ उन लोगों को ही बताना चाहिए जिन पर तुम ट्रस्ट करते हो। सुनके वो एजेंट बोलता है यार तुम तो हायाकावा बहुत बोरिंग हो। और तभी हिमिनो यही बोलती है डेंजी को पढ़ के मुझे तो इससे प्रॉब्लम नहीं है। और तभी एक और एजेंट ये भी बोलती है मैं तुम्हारी हॉबी सुनना चाहूंगी तुम्हारी हॉबी क्या क्या है। एंड देन डेंजी अपना नाम बताता है और बताता है मैं 16 साल का हूँ और बताता है मेरा खाना और सोना मेरी हॉबी है। और डेंजी की 16 साल उम्र सुन के सब हैरान होते हैं कहते हैं तुम तो काफी ज्यादा यंग हो। और तभी आरआई भी खड़ा होकर अपना नाम बताता है एंड बोलता है मैं 22 साल का हूँ और मैंने फॉक्स डेवल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है। एंड ये सुनकर डेंजी बोलता है फॉक्स डेवल के साथ तो मिस्टर हायाकावा ने कॉन्ट्रैक्ट करा है। एंड हायाकावा कहते हैं फॉक्स डेवल ह्यूमंस के साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली है और फॉक्स डेवल ने काफी सारे डेवल हंटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है। एंड हिमिनो कहते हैं डेंजी से फॉक्स डेवल सिर्फ प्रीटी लोग के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करता है। एंड तभी कोबिनो खड़ी होती है एंड कोबिनो अपना इंट्रोडक्शन देती है अपना नाम बताती है अपनी एज बताती है मैं 20 साल की हूँ। एंड बोलती है मेरी हॉबी है टेस्टी फूड खाना और मैंने जिस डेवल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा ये अभी एक सीक्रेट है। एंड तभी हिमिनो एक दूसरे एजेंट से पूछती है तुम्हारे न्यूबी कहाँ है। एंड वो एजेंट बोलता है अनफॉर्चुनेटली वो लोग कल ही मर गए। और ये सुन के हिमिनो चिल्ला के बोलती है रेस्ट इन पीस। एंड तभी वो एजेंट बोलता है हिमिनो तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है। और अराई उस एजेंट से पूछता है क्या वो लोग इजीली मर गए थे। एंड तभी सामने बैठा एजेंट अराई से कहता है सिविलियन हंटर्स डेवल्स को संभाल नहीं पाते जो पब्लिक सेफ्टी के लिए पास हो जाते हैं। एंड तभी एक एजेंट ये बोलते है कि तुम जितनी तेजी से गिन सकते हो उससे भी ज्यादा तेजी से लोग मर रहे हैं। ये एजेंट ये भी कहती है कि तुम उन लोगों को ही ले लो जिन लोगों के साथ मैंने ये काम स्टार्ट किया था और वो लोग अब मेरे साथ नहीं है वो सब मर गए हैं। एंड जैसे ही एजेंट इतना बोलती है दूसरी तरफ हम देखते हैं हिमिनो पूरी तरीके से ड्रंक हो चुकी है पूरी तरीके से नशे में आ चुकी है। एंड तभी हिमिनो नशे में डेंजी को पकड़ के बोलती है डेंजी मुझे किस करना चाहता है। और डेंजी काफी अच्छी स्माइल देता है। और तभी दूसरा एजेंट ये बोलता है कि जब भी हिमिनो ड्रंक होती है वो किसी न किसी को किस करती है और यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं हिमिनो उन सबको किस करिए बस उन लोगों को छोड़ के जो न्यूबी है तो यहाँ कोई भी सेफ नहीं है हिमिनो की किस से। बट अपना डेंजी हिमिनो को ड्रिंक पीते पीते देखता है और हिमिनो के लिप देख के हल्के हल्के बोलता है आज मुझे मेरी पहली किस मिलने वाली है। और तभी मकीमा डेंजी की बात सुन लेती है डेंजी से बोलती है किस। एंड तभी ये देख के डेंजी थोड़ा हैरान होता है और फिर एंड देन हायाकावा मकीमा को अपने पास बिठाता है। एंड देन हायाकावा डेंजी से बोलती है क्या तुम आज किसी को किस करने वाले हो। एंड डेंजी कहता नहीं तो बिल्कुल नहीं। एंड तभी हिमिनो बोलती है ओ क्या तुम अब किस करना नहीं चाहते। एंड डेंजी बोलता है हाँ चाहता हूँ। एंड देन नेक्स्ट सीन हम देखते हैं मकीमा टेबल पे बैठ जाती है मकीमा अपना ऑर्डर देती है। एंड हायाकावा मकीमा से बोलते हैं कि डेवल्स गन पीस के साथ अब पहले के मुकाबले अब कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहे हैं और वो डेवल जिस डेवल ने डेंजी पे हमला किया था ये सब कुछ ना कुछ गड़बड़ का इशारा कर रहे हैं तो क्या आप कुछ डेंजी के बारे में जानती हो। और हायाकावा की ये बात सुन के मकीमा पहले ड्रिंक पीती है एंड देन कहती है मैं तुम्हें बता दूंगी अगर तुम मुझे ड्रिंक की रेस में हरा दो। दूसरी तरफ हिमिनो भी नशे में बोलती है हाँ मैं भी तुम्हें ज्वाइन करती हूँ। एंड देन इन तीनों ने काफी सारी ड्रिंक पी होती है एंड हम देखते हैं हायाकावा एंड हिमिनो पूरी तरीके से टुन हो चुके होते हैं बट मकीमा अब भी ड्रिंक्स पी रही होती है जहाँ मकीमा ने इन दोनों को ड्रिंक्स में हरा दिया है। एंड तभी एक एजेंट पावर की तरफ देख के बोलती है पावर यू आर इम्प्रेसिव बिकॉज बहुत ही कम फीड सी अपनी वायलेंट पर्सनैलिटी पे काबू रख पाते हैं। एंड ये सुन के पावर टेशन बोलती है ये इसलिए बिकॉज मेरा आईक्यू बहुत हाई है। एंड देन ये एजेंट बोलती है ओ अच्छा तुम अपने आईक्यू की वजह से अपने आप को काबू में रखती हो। एंड देन ये एजेंट पावर से पूछती है तुम्हारा आईक्यू स्कोर क्या है। एंड पावर बोलती है 100। एंड ये एजेंट बोलती है ओ तुम्हें 100 आईक्यू हाई लगता है। आई थिंक मेरा भी लगभग 100 ही आईक्यू है। एंड ये सुन के पावर बोलती है देन मेरा 120 आईक्यू है। एंड देन एजेंट बोलती है फुशी का हाई आईक्यू स्कोर है सबसे। एंड ये सुन के पावर हल्के बोलती है नहीं शायद मेरा आईक्यू 500 है या 1000। एंड देन दूसरी तरफ हिमिनो कुछ ज्यादा ही नशे में हो चुकी है पूरी तरीके से ड्रंक हो चुकी है और हिमिनो एकदम से डेंजी को पकड़ के किस कर लेती है।
आई मीन लिप किस, आई मीन स्मूच। एंड पहले तो डेंजी ये किस काफी एंजॉय कर रहा होता है, बट एकदम से डेंजी को ये किस अजीब लग रही होती है। और जब हिमिनो डेंजी को किस कर रही होती है, हिमिनो एकदम इसी डेंजी के मुंह के अंदर उल्टी ही कर देती है जब वो किस कर रही होती है डेंजी को। एंड लिटरली इस सीन को देख के मुझे खुद उल्टी होने वाली थी, और वहां पे जितने भी एजेंट बैठे हुए होते हैं वो ये देख के लिटरली काफी ज्यादा हंसते हैं। और ऊपर से डेंजी के मुंह के अंदर अब भी हिमिनो की उल्टी होती है। एंड ये देख के पावर बोलती है डेंजी की हैबिटेट, डेंजी के मुंह में कुछ भी चीज जाए डेंजी उस चीज को निगल जाता है, और डेंजी हिमिनो की भी उल्टी निकल जाता है। एंड तभी एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है, और इस फ्लैशबैक में डेंजी एंड पोस्ता एक गली में होते हैं जहाँ डेंजी कूड़ेदान में खाना ढूंढ रहा होता है, और उस कूड़ेदान में डेंजी को एक बर्गर मिलता है। एंड देन डेंजी एंड पोस्ता उस बर्गर को खा रहे होते हैं, और तभी डेंजी साइड में देखता है कि किसी ड्रंक की उल्टी पड़ी हुई होती है और उस उल्टी को कुछ चूहे खा रहे होते हैं। और इसको देख के डेंजी कहता है पोस्ता क्या तुम यकीन कर सकते हो ये चूहे उस उल्टी को खा रहे हैं, ये कितनी शर्म की बात है। एंड देन ये फ्लैशबैक खत्म होता है, और हम देखते हैं वॉशरूम में अराई डेंजी को उल्टी करवा रहा होता है। एंड अराई कहता है हिमिनो बिल्कुल भी अपने आप पे काबू नहीं रख पाती है। एंड अराई ये भी कहता है मैं सिक पीपल की मदद करने में अच्छा हूँ, और ऐसा इसलिए है मेरी मॉम हमेशा घर ड्रंक होकर ही आती थी, लेकिन मेरे पास तुम्हारे जैसे डेविल हंटर वाला टैलेंट नहीं है, इस वजह से मैं तुमसे जेलस भी हूं। ये सुन के डेंजी अराई की तरफ देख के बोलता है तुम मुझसे जलते हो, मेरी तरफ देखो मेरी पहली किस उल्टी के साथ हुई और कोई मुझसे क्यों जेलस होगा। इतना ही कहते हैं देन हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, हम देखते हैं सारे के सारे एजेंट्स एंड मकीमा रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हुए होते हैं। एंड एक एजेंट कहता है कि आज का हमारा बिल मकीमा ने पे कर दिया है। एंड देन मकीमा पूछती है डेंजी का है, एंड एक एजेंट बोलता है सीनियर हिमिनो अभी डेंजी को लेकर गई है। एंड देन नेक्स्ट सीन में डेंजी अपनी आंख खोलता है, और डेंजी हिमिनो के घर में होता है, और डेंजी अभी उस उल्टी वाली किसके बारे में सोच रहा होता है, और डेंजी को काफी ज्यादा चक्कर आ रहे होते हैं जहाँ डेंजी कहता है मुझे पानी चाहिए, और तभी वहाँ हिमिनो आती है और डेंजी बेड पे लेटा हुआ होता है, तो हिमिनो डेंजी के ऊपर आके बैठ जाती है। एंड हिमिनो भी नशे में होती है, और नशे में डेंजी से बोलती है तुम मकीमा से प्यार करते हो ना, और हायाकावा भी उससे प्यार करता है, तुम्हें उससे प्यार करना नहीं चाहिए, और तुम यहाँ कर क्या रहे हो, पर तुम मेरे घर कर क्या रहे हो, क्या मैं तुम्हें मेरे घर लेकर आई, आई मीन वो नशे बात कर रही होती है। एंड देन हिमिनो डेंजी के बराबर में लेट के डेंजी के कान में कुछ फुसफुसाती है, एंड देन कहती है चलो ये करते हैं। एंड इसी नोट पे ये एपिसोड हो जाता है कंप्लीट। और आप लोग समझ रहे हो ना हिमिनो ने डेंजी के कान में क्या बोला होगा। सो भाइयों ये थी चैनसो मैन सीरीज के एपिसोड 7 की एक्सप्लेन्ड वीडियो। नेक्स्ट वीक जब एपिसोड 8 आएगा उसकी भी एक्सप्लेन्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पे जरूर मिल जाएगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत तो पसंद आई होगी, जो खैर आनी तो चाहिए। अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाना, और हां इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो भाइयों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपिक के साथ।